चलिए बात करते हैं सीरियल उड़ारिया के बारे में। उड़ारिया में जैसा आप सभी को मालूम है कि हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। बलविंदर ने सच बताया था, लेकिन यहाँ पर अरमान और पूरी फैमिली ने बलविंदर की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे बाहर निकाल दिया गया। और ये भी कहा गया कि तेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। अरमान ये भी कहता है कि मुझे अपने भाई रणविजय पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी इस तरीके की हरकत कर ही नहीं सकता है। वो रणविजय को भी गले लगाता और कहता है कि बलविंदर की बातों पर मैं नहीं विश्वास करता हूँ। इसके बाद आपको बताते चले कि आसमा जो है वो अरमान को सच बताना चाहती है। वो चाहती है कि उसे मालूम चल जाए कि आलिया और रणविजय एक दूसरे को प्यार करते हैं, और वो बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन अरमान उस वक्त सो जाता है। मतलब आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरे दिन फोन आता है आसमा के पास कि केयर टेकर वापस आ गई है। जी हाँ, वही केयर टेकर जिससे रणविजय ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे। अब ये सुनने के बाद आसमा उस केयर टेकर के पास जाती है और उसे पुलिस की धमकी देती है। और अब यहाँ पर केयर टेकर जो है वो सही कागजात आसमा को दे देती है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आखिर रणविजय की माँ कौन है। अभी आसमा ये पढ़ती तब तक घर से फोन आ जाता है कि घर में आग लग गई है और आलिया इस आग के बीच में फंस गई थी। आलिया ने रणविजय को फोन किया था, रणविजय दिल्ली जाने के लिए निकला था, उसका कोई प्रोग्राम था, लेकिन वो बीच रास्ते से घूमता है और यहाँ घर पहुंचकर आलिया को बचाता है, उसे गले लगाता और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आलिया। आलिया कहती है मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यहाँ रणविजय कहता है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा लेकिन तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और ये सीन पीछा खड़ा अरमान देख लेता है, सुन लेता है। अरमान टूट जाता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं कि उसके भाई रणविजय ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा शो में आगे।